तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं चक्रवर्ती अपने चैनल मैथवाइज चक्रवर्ती में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू कैसे सिद्ध किया जाता है। ये क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बगैर टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या होती है, जिसके अंदर की सतह क्या होती है, कलर्ड होती है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की सतह कलर्ड होती है। तो ये वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो हमने क्या माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, माना एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें अब जिसमें क्या, ये वाला जो बिंदु है, जो बिंदु ये वाली है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष, और इसको कहा जाता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जिसमें बिंदु पी दर्पण का ध्रुव है। बिंदु पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है, तथा प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण ए बी। अब देखिए, ये दर्पण प्रधान अक्ष है और इसके समानांतर ये किरण ए बी आ रही थी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से जाती है, तो फोकस से जाएगी लेकिन ये डॉटेड लाइन में जाएगी। तो एक्चुअल में कहां से जाएंगी, तो ये यहां से एक्चुअल में ऐसे मुड़ गई, और इसी को जो बैकवर्ड हमने लिया तो ये फोकस से गई। अब हमने क्या किया, इसके बीच हम अभिलंब खींचे, जो यहां से यहां सेंटर पे हमने मिलाया, तो ये एंगल ऑफ आई बन गया और ये एंगल ऑफ आर बन गया। तो जी हाँ दोस्तों, आगे की बातों में हमने वही लिखा है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण ए बी है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद बी एफ डैश दिशा में जाती है। बी एफ डैश दिशा में आपतित हुई और परावर्तन ऐसे हो गए, बी एफ डैश दिशा में जाती है। दर्पण के परावर्तन के नियम से, दर्पण के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यह वाला कोण जो है एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर हो गया। एंगल ऑफ आई का जब नाम लिखना चाहेंगे तो ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, और आर का हो जाएगा सी डैश बी एफ डैश, सी डैश बी एफ डैश। इसे हमने समीकरण एक का नाम दिया। लेकिन जरा आप और भी सोचेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कोण और ये वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, इसलिए ये वाला कोण ये वाली कोण के बराबर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये वाला कोण जो आप देख रहे होंगे एंगल आर जो है एंगल एफ बी सी के बराबर हो जाएगा, जिसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो भाई साहब, जरा अब इसे हम इलिब्रोच करने का प्रयास करेंगे, तब क्या कहेंगे, चूंकि सी डैश बी एफ डैश, सी डैश बी एफ डैश एंड एफ बी सी, एफ बी सी ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब समीकरण एक और दो को हम आपस में मिलाएंगे तो हम पाएंगे क्या कि सी डैश बी एफ डैश इधर और इधर आपस में बराबर है, इसीलिए ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएंगे। यानी ए बी डैश इज इक्वल टू एफ बी डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इक्वेशन नंबर थर्ड तक इतनी बातों को आपको समझाने का प्रयास किया। इतनी तक बातों में हमने सिर्फ दो रूल लगाए हैं, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा हमने कहा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, और तीसरी हमने इक्वेशन जो बनाया इन दोनों की सहायता से तीसरी इक्वेशन जनरेट किया। अब आगे की बातों को हम समझाते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, हम आगे की बातों को बताते हैं। साथियों, उम्मीद है कि आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। आगे की बातों को हम अब बताते हैं। जैसे आप यहाँ तक देखेंगे इक्वेशन तीन तो हमारा बन चुका था। एक चीज और समझिए, जब दो रेखा आपस में पैरेलल होती है तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में बराबर ही होते हैं, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण छोड़ दीजिए, ये वाला कोण आपस में ये कोण के बराबर है, जिसे कहा जाता है संगत कोण। इस वाले रेखा को आप देखेंगे तो ये वाली लाइन इसे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इनको और इनको ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए आई वाला जो कोण बनेगा ए बी सी डैश ये वाला कोण के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये वाला कोण के बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, एफ सी बी इनका नाम लिख दिया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आप चाहे तो लिख सकते हैं संगत कोण, क्या कह सकते हैं, संगत कोण कह सकते हैं। और इन तमाम चीजों को हमने बताने का प्रयास भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इन वाले इक्वेशन और इन वाले इक्वेशन को जब देखेंगे तो बी सी एफ और बी यहाँ ए बी सी डैश दोनों में है, तो इसलिए ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो समीकरण तीन और चार से चलते हैं, तो FBC इज इक्वल टू BCF आपस में बराबर हो गया, जिसको हमने पश्चिमा मान लिया। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा, त्रिभुज BCF में चलते हैं, BCF में ये वाला कोण है आपका, इसका नाम है FBC और ये वाला BCF, BCF ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में आप बराबर हो रही है, यानी ये वाला अगर x डिग्री है तो ये वाला भी अब क्या हो गया x डिग्री है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर हो जाती है, यानी इसके संगत भुजा ये और इसके संगत भुजा ये, BF is equal to FC, so BF is equal to FC। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होती है, गणित का रूल कहता है। तो जब ऐसे हमने कर दिया, इसको छठा रूल दे दिया। अब कहते हैं कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक कहा जाता है इस वाले चीज को क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी दर्पण का द्वारक अभी इतना बड़ा है, यानी जो BF हमारा लाइन दिख रहा होगा आपको ये वाली, ये तो अब बहुत कचरी हो गई यहाँ पे हमको समझाते, तो ये आपका BF, तो बी से एफ तक का जो डिस्टेंस है ये दर्पण का द्वारक को बना रहा है। अब ये दर्पण का द्वारक अभी इतना बड़ा है, लेकिन इसी लाइन को जब और इधर करेंगे तो मान लीजिए ये एक समय यहाँ आया तो ये द्वारक इतना हो गया, एक समय यहाँ आया ये द्वारक इतना, एक समय यहाँ यहाँ, एक समय यहाँ यहाँ, एक समय ऐसा आ गया कि बी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस पी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस के बराबर हो गया। कब? जब दर्पण का द्वारक एकदम छोटकू सा हो गया। तो हम कहेंगे कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो PF जो है BF के बराबर हो गया, और BF जो है FC के बराबर है और PF के बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, PF इज इक्वल टू FC हो गया। दोनों साइड हमने ऐड कर दिया है PF को, ऐड PF बोथ साइड, तो इसमें जब ऐड करेंगे FC में PF को, PF में फिर PF को, यानी PF यहां ऐड हुआ, PF यहां ऐड हुआ, दोनों पहले से था हमने लिख दिया। जब PC में FC में PF को जोड़ी, F से लेकर P का डिस्टेंस ये वाला और F से लेकर C का डिस्टेंस ये वाला, पूरी दूरी को एक साथ PC कह सकते हैं, PC कह दिया, PF PF टू PF हो गया, और PC के डिस्टेंस को P से C के डिस्टेंस को R कहते हैं और PF के डिस्टेंस को कहते हैं F, इसलिए F R बराबर 2F और F बराबर R बाई 2, ये हमारा सिद्ध हो गया। दोस्तों उम्मीदें हैं कि आप चीजें को समझ पा रहे होंगे, एक बार और वीडियोस को अगर आप नहीं समझे हैं तो देख लीजिए, मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।